कक्षा 10 गणित का जो अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्ट में एपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एपी जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा, आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है और शॉर्ट में एपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में जो भी आपको पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कंटेंट क्लास के बाद कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनको वो कंटेंट शेयर किया था। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके डिस्प्ले में एक शीट नजर आ रही है समांतर श्रेणी की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो सकता है मैंने जो अपने विवेक से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर मैंने संकलन किया है। यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर ये शीट्स मांगेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से दे दूंगा। आप देखें, समांतर श्रेणी का वेटेज आप समझ ही गए हैं, 1 + 1 + 4 = 6 है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करते हैं बच्चों, स्मरणीय बिंदु। और ये जो मुख्य बिंदु हैं, इनके आधार पर आपके जो एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या तार्व अंतर कहलाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं बच्चों। जैसे आप जानते हैं जो सम संख्याएं होती है वो क्या होती है। सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनंत तक जाती रहती है। अभी आप देखेंगे कि जो सम संख्याओं का जो अनुक्रम लिया है मैंने उदाहरण के तौर पर, इसमें प्रथम पद 2 है और अगला पद जो है जो कि 4 है, 2 में 2 को बढ़ाया तो 4 प्राप्त हुआ, 4 में फिर से 2 को बढ़ाया तो 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगले पद हमको प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार का जो अनुक्रम होता है वो समांतर श्रेणी कहलाता है। आप देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया है सम संख्याओं का, उन सम संख्याओं में प्रथम पद जो है वो 2 है और द्वितीय पद 4 है, तृतीय पद 6 है। यदि आप द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो आपको 4 - 2 = 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं को ले लिया जाए और उनका बड़ी संख्या अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाया जाए तो आपको सार्व अंतर प्राप्त होता है। अगला बिंदु है, किसी समांतर श्रेणी एपी में सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। अब मैं यहाँ पर ये जो 2 बिंदु बताए हैं उसके आधार पर बोर्ड पर मैं कुछ नोट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। बच्चों, आप देखेंगे, मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। मैं 2 लिया एक संख्या, 2 में मैंने 3 बढ़ाया तो 5 मिला, 5 में 3 में बढ़ाया तो मुझे 8 मिला, 8 में 3 बढ़ाया तो 11 मिला। इसी प्रकार हम बढ़ाते जाएंगे तो ये एक समांतर श्रेणी एपी कहलाएगी। ये एपी का एक उदाहरण है और यहाँ पर प्रथम पद जो है 2 है। प्रथम पद को आप A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द्वितीय पद को आप A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि 5 है। इसी प्रकार से A3 जो है 8 है और A4 जो है वो 11 है। आप देखेंगे कि A2 में से A1 को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए
पांच में से दो को सबट्रैक्ट किया जाए तो आपको मिलेगा तीन, जो कि सार्व अंतर कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। ये तो आपने ये एपी देखा, यहाँ पर बताया गया है कि एपी में जो सार्व अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, तो मैंने जो उदाहरण लिया है इस एपी में ये सार्व अंतर जो है धनात्मक है। इसी प्रकार में एक ऋणात्मक सार्व अंतर वाला एक उदाहरण लेता हूं। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक संख्या ली है आठ, आठ में से तीन को घटाया तो पांच प्राप्त हुआ, पांच में से तीन को घटाया तो दो प्राप्त हुआ, दो में से तीन को घटाया माइनस वन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें समांतर श्रेणी की अन्य पद प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ पर देखें कि जो प्रथम पद है उसको आप ए वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आठ है। द्वितीय पद जो है वो पांच है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो आपको माइनस थ्री प्राप्त होगा, और ये माइनस थ्री जो है इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। तो आपने इन दो उदाहरणों के माध्यम से देखा कि सार्व अंतर जो है धनात्मक भी प्राप्त हुआ और एक ऋणात्मक भी प्राप्त हुआ। एक एक नंबर की अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इन स्मरणीय बिंदुओं के आधार पर। आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इससे आप देखें, मैं एक संख्या ले रहा हूं पांच, मैंने पांच में जीरो को बढ़ाया तो पांच ही प्राप्त होगा, फिर मैंने जीरो को बढ़ाया तो पांच ही प्राप्त होगा। यानी कि इस प्रकार से जो अनुक्रम लिखा हुआ है कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। पांच कोमा पांच कोमा पांच ये भी समांतर श्रेणी में ही माना जाता है, और यहाँ पर सार्व अंतर जो है वो शून्य है। प्रथम पद पांच है, इसे ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सार्व अंतर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पांच माइनस पांच यानी कि जीरो है, तो ये भी हमारा एक समांतर श्रेणी का रूप है। आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों, एक जो व्यापक रूप में समांतर श्रेणी हम बना लें तो उसके कुछ सूत्र है, वो पहले मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, और इन्हीं सूत्रों को मैंने ये सीट में भी नोट कर रखा है। एक एक करके मैं उन सारे सूत्रों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। समांतर श्रेणी के हमने अभी दो तीन उदाहरण देखे। अब समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी व्यापक रूप में ले ली जाए, हम जानते हैं व्यापक रूप में जो प्रथम पद है एक को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने ए लिया, और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी ले लिया। तो आप ए में डी को बढ़ाएंगे तो हमको ए प्लस डी प्राप्त होगा, ए प्लस डी में डी को बढ़ाएंगे तो ए प्लस टू डी प्राप्त होगा, ए प्लस टू डी में डी बढ़ाएंगे तो ए प्लस थ्री डी प्राप्त होगा। इस प्रकार हमको ये समांतर श्रेणी प्राप्त होती रहेगी। आप देखें यहाँ पर कि प्रथम पद, अच्छा बच्चों यहाँ पर आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, पंद्रहवा पद, इनके सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जो प्रथम पद है जिसे आप प्रथम पद को ए वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको प्राप्त हो रहा है ए, और ए टू जो है द्वितीय पद वो है ए प्लस डी। आप यहाँ पर आपको एक खास चीज देखना है, यहाँ पर एक पैटर्न है कि जब द्वितीय पद है यानी कि ए टू है, द्वितीय पद यानी कि दो यहाँ पर है, जब दो है तो कॉमन डिफरेंस डी का जो गुणांक है वो एक है। अब मैं एक पद और लिखता हूँ ए थ्री, जब ए थ्री होगा तो ए प्लस टू डी होगा। आप देखें तृतीय पद में जो डी आया है वो दो बार आया है, यानी कि डी का गुणांक जो है वो दो है, जब ए थ्री है तो डी का गुणांक दो आ रहा है। इसी प्रकार से मैं ये फोर लिखता हूँ तो ए प्लस थ्री डी लिखूंगा। इस पैटर्न को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि हम ये जो है ए एन लिखते हैं, यानी कि एन वा पद ज्ञात करना हो तो डी का जो गुणांक होगा एन से एक कम यानी कि एन माइनस वन प्राप्त होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका एन वा पद है, इसे व्यापक पद भी कहा जाता है। तो ये व्यापक पद का सूत्र होता है
इसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि n वा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बच्चों इसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रश्न है वो दो प्रकार से है। प्रश्न ऐसे हैं जिसमें समांतर श्रेणी दी हुई है। जब समांतर श्रेणी दी हुई है तो हम a यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि डी प्राप्त कर सकते हैं, और इन a और d को प्राप्त करने के बाद आप प्रश्न में पूछा गया कोई भी प्रश्न हम a और d के आधार पर दे देंगे। तो n वा पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे मैं शीट से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बच्चों समांतर श्रेणी जैसे उसका अंतिम पद ज्ञात है, मैं एक एग्जांपल बोल के बताता हूँ कि जो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 बस मैंने यही तक लिया 7 तक, तो मैंने 4 विषम संख्याएं ली है इसलिए यहाँ पर अंतिम पद 7 है। और ये क्योंकि पदों की संख्या सीमित है यानी कि पदों की संख्या अनंत नहीं है तो ये समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार से अगला जो है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर विषम संख्याओं का पूरा समूह लिया जाए 1, 3, 5, 7... अनंत तक, तो हम यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये जो है समांतर श्रेणी है असीमित समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी a, a+b, a+2d, a+3d... का व्यापक पद यानी कि n वा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये मैंने बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन भी किया। यदि इस व्यापक समांतर श्रेणी का 15वां पद लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा a प्लस 14d। ये ऐसे ही 50वां पद हो तो a प्लस 50 से 1 कम 49d लेंगे। तो हमें d के गुणांक में और कौन सा पद है उस पद क्रमांक में जो है संबंध है उसको अच्छे से समझना। बच्चों समांतर श्रेणी अगला बिंदु है समांतर श्रेणी a, a+b, a+2d, a+3d... में पदों की संख्या यदि n है यानी कि पदों की संख्या ज्ञात है तो वो सीमित पदों की संख्या हुई, और जब सीमित पदों की संख्या है तो वो समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी हुई, और जब परिमित समांतर श्रेणी है तो उसका अंतिम पद निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में ज्ञात होगा या ज्ञात किया जा सकता होगा। तो ऐसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद को n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से प्राप्त किया जाता है। तो जो n वा पद का सूत्र है वही अंतिम पद l का सूत्र है। n यहाँ पर इसलिए लिया गया है अंतिम पद को इंग्लिश में लास्ट टर्म बोलते हैं, उस लास्ट टर्म का जो पहला लेटर एल है उससे अंतिम पद को रिप्रेजेंट किया गया। बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग के लिए दो सूत्र हैं, मैं इन दोनों सूत्रों को बोर्ड पर भी लिख के एक्सप्लेन करता हूं। समांतर श्रेणी यदि हमारी व्यापक है a, a+b वाली है तो समांतर श्रेणी के पदों का n पदों का योगफल के लिए SN=n/2 2a+n-1 d, ये हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए सूत्र है। यहाँ पर n जो है पदों की संख्या दिखाता है, ये पहला पद दिखाता है और d जो है सार्वंतर। ये सूत्र का उपयोग आप उस समांतर श्रेणी में कर सकते हैं जिसमें पदों की संख्या जो है सीमित नहीं है, यानी कि जैसे कि 1, 4, 7... आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रथम पद है a एक है और d जो है 4-1 = 3 है।
सात माइनस चार निकालेंगे तो भी तीन है, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने सीमित नहीं बताया है, पर इस प्रकार के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि आप इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब 50 पदों का योगफल ज्ञात करने का दिया जाए तो n के स्थान पर आपको 50 डालना है और इसमें a के स्थान पर 1 डालना है और d के स्थान पर 3 डालना है और इसमें आप कर देंगे तो प्रथम 50 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इन पदों की संख्या सीमित है, मान लो 1,4,7, ... यहाँ पर बोले गए 10 पद है, तो हमें इन पूरे 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं कि 10 पद हैं तो आप जो है लास्ट 10वां पद ज्ञात लिए, जब 10 पदों तक दिया गया है पर 10 पद का मान ज्ञात नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर मान लो आपको 10वां पद ज्ञात करना है, a10 का सूत्र होगा a प्लस 9b और a का मान जो है वो 1 है, 9 इंटू d का मान जो है 3 है, तो 1 प्लस 9 3 का 27 इक्वल टू 28 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो 10वां पद 28 है, तो आपको n के स्थान पर 10 डालना है, a के स्थान पर 1 डालना और d के स्थान पर जो है वो 3 डालना। पर बच्चों अब मान लो 10वां पद भी दिया गया हो ... और ये 28 ये समांतर है। अब आपको ये प्रश्न अलग प्रकार का बनता है, यहाँ पर अंतिम पद l है पर पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। जब पदों की संख्या ज्ञात नहीं है तो अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से आप n का मान निकाल लेंगे। जब n का मान निकाल लेंगे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, l के स्थान पर आपने 28 लिया, a 1 रहा और n माइनस 1 इंटू d का मान जो है वो 3 है, 28 इक्वल टू 1 प्लस d का मैंने अंदर मल्टीप्लीकेशन किया 3n माइनस 3, 28 इक्वल टू 3n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो ये 28 के साथ मिलके 30 बन जाएगा और 30 इक्वल टू 3n होगा, यानी कि 3n इक्वल टू 30 हो जाएगा और n इक्वल टू 30 अपॉन 3 यानी कि n इक्वल टू आपको 10 प्राप्त हो जाए। जब n का मान 10 प्राप्त हो गया, अब मान लो 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो एक सूत्र और है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस है, इसका उपयोग आप तब करना है जब l का मान ज्ञात हो, अंतिम पद दिया गया हो, तो s n यानी कि हमारा 10 है इक्वल टू 10 अपॉन 2 a का मान 1 है और अंतिम पद जो है वो 28 है। ठीक है, इस प्रकार इसको रख के Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, इससे आप प्रश्न को पूरा हल कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने हल कर ही दिया है। बच्चों इस चैप्टर में आपको कोई कठिनाई लगती हो किसी तरह के टॉपिक में तो आप उसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चूंकि 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है और इस चैप्टर को आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें 2 तरह के प्रश्न हैं। एक प्रकार है कि जिसमें पदों की संख्या या n व पद पदों की संख्या ज्ञात कीजिए से संबंधित प्रश्न है, दूसरा भाग में पदों की योगफल से संबंधित प्रश्न है, और परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाना है उसी के अथवा में भी दूसरा प्रश्न होता है। तो मुझे लगता है कि आप n पदों का मान वाले यदि प्रश्न अच्छे से कर लेंगे, उसके अथवा में हो सकता है पदों की योगफल वाला हो, तो आप बड़े अच्छे से प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इन सूत्रों को पुनः ले लिया जाए, समांतर श्रेणी एपी ए ए कॉम प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी के प्रथम एन पदों का योग Sn इक्वल टू एन अपॉन टू
2a plus n minus 1 into d होता है। समांतर श्रेणी a कॉमा a plus d कॉमा a plus 2d कॉमा a plus 3d डॉट 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 में पदों की संख्या यदि n है तो श्रेणी के n पदों का योग Sn equal to n upon 2a plus n से प्राप्त होता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा एक व्यापक पद nवें पद का सूत्र है, एक अंतिम पद l का सूत्र है और एक दो सूत्र हैं n पदों के फल से संबंधित, एक सूत्र a और d वाला है और एक सूत्र a और l वाला है। इन मात्र चार सूत्रों की मदद से आप परीक्षा में कोई भी पूछा गया प्रश्न समांतर श्रेणी का हल कर पाएंगे। अब आप देखें एक अंक वाले प्रश्न, क्योंकि एक एक नंबर के दो प्रश्न पूछे जाने हैं तो इसलिए आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। सही विकल्प चुनिए एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद क्या होगा? आप जानते हैं प्रथम पद 3/2 ही है, यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से आप प्रथम पद को घटा देंगे तो आपको -1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर है पहले का ए। दूसरा प्रश्न है एपी 10.7.4... का की वह पद क्या होगा? तो बच्चों इसमें आप 30 मैंने आपको बताया वो प्रश्न जिसमें समांतर श्रेणी दी गई हो वो बेहद आसान प्रश्न होता है, क्योंकि दी हुई समांतर श्रेणी से हम ए और सार्वंतर डी का मान बड़े आसानी से ले लेते हैं और फिर कोई भी प्रश्न पूछा गया हो उससे संबंधित सूत्र इन ए और डी पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रश्न में तीसवा पद क्या होगा? आप जानते हैं कि जो व्यापक समांतर श्रेणी है उसका तीसवा पद होगा ए प्लस 29d। तो ए का मान 10 है और d का मान आपको देखेंगे कि ऋणात्मक आ रहा है, 7 में से जब 10 को घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो a का मान 10 और d का मान -3 a plus 29 into d में रख देंगे तो आपको तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ap -3, -1/2, 2... का 11वां पद क्या है? तो 11वें पद के लिए सूत्र है a plus 10d। इसमें a का मान -3 और d का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो तीन पद में से प्रथम पद को घटा के आप निकाल लेंगे, d का मान आ जाएगा। फिर 11वां पद यानी कि a plus 10d में आप ये और d का मान रख देंगे। तो आप निश्चित रूप से ये तो पांचवा चैप्टर ही मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपका पद पहले से कंप्लीट हो चुका होगा, आप जानते होंगे, ठीक है। और ये जो आपको डिस्प्ले शीट नजर आ रही है ये आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा जो अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना है ये दो बहुत अच्छे बिंदु हैं, ये किताब से ही लिए गए हैं पर कई बार ये बच्चे इसको कर देते हैं, इनको आप देखें एक एक नंबर के लिए बड़े अच्छी सी बात निकल के आ रही है। सत्य असत्य -2, -2, -2, -2 एक समांतर श्रेणी है, क्या ये सत्य है? कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। एमपीएस तिमलनी हरदा, मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत अच्छा बच्चों, आपका यदि माइक कनेक्ट है तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे क्या बताएं ये समांतर श्रेणी है या नहीं, सत्य है या सत्य है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा, क्या नाम है? नाम बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये समांतर श्रेणी है, सत्य है असत्य है? असत्य है सर। क्यों असत्य है बेटा? समांतर अलग अलग है। बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छा उत्तर दिया आपने। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी सर,
तो बहुत बढ़िया बेटा, आपने अच्छा उत्तर दिया है। और कोई इसके अपने से संबंधित कोई भी समस्या है, आप मैंने आप सब लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप ये चीज मुझसे जरूर लें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर जब आप अपना नाम और क्लास लिख के भेजेंगे तभी मैं आपको ये चीज से शेयर कर पाऊंगा। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, उसमें वो अपनी क्लास मेंशन नहीं करते हैं। जब क्लास मेंशन नहीं करेंगे, मैं तो 9th से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा। आप अपना नाम, क्लास और मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर चाहिए, ये तीन लिख के मुझे दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको ये जो कंटेंट डेवलप करता रहता हूँ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। पिछले दिनों में मुझे बहुत से बच्चों ने रीवा से और छिंदवाड़ा से कॉन्टेक्ट किया, तो मुझे बड़ा ये सुखद अनुभूति होती है कि बच्चे मुझे बाद में भी कॉन्टेक्ट करते हैं। आगे देखें तो बच्चों, अभी देखें, बैठ जाए हरिशंकर आप। बच्चों जैसा कि हरिशंकर ने बताया कि ये असत्य है, असत्य होने का कारण ये है कि द्वितीय पद में से आप प्रथम पद को यदि घटाएंगे, दो में से माइनस दो को घटाएंगे तो दो माइनस माइनस दो यानी कि वो दो प्लस दो बराबर चार हो जाएगा। और यदि तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, माइनस दो को माइनस दो बराबर माइनस चार हो जाएगा, तो चार अंतर जो है अलग अलग हो रहा है, पहले चार हो रहा है माइनस चार हो रहा है, चार अंतर जो है अंतर समान ही नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि दिया हुआ कथन असत्य कहलाएगा। बच्चों अगला बिंदु है, ये आपको ये नॉलेज के हिसाब से रखना है, कोई भी तीन पद यदि समांतर श्रेणी में होते हैं, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, कोई भी तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं, जैसे लेता हूँ 4, 7 और 10, यदि तीन पद आप देखना है समांतर श्रेणी में ही है, क्योंकि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो तीन प्राप्त होता है, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं तो भी तीन प्राप्त होता है, यानी जब तीन पद समांतर श्रेणी हो तो द्वितीय पद जो होता है ये 4 को प्रथम पद और तृतीय पद का समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य से मतलब है पहले पद और तीसरे पद को जोड़ेंगे यानी कि तो आपको द्वितीय पद प्राप्त होगा 14/2 = 7। तो इसी के आधार पर व्यापक रूप में ये कथन है आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। तो जो बॉक्स में दिए गए बिंदु होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, वहां से मैंने लिया है इसको। ये सत्ता सत्य में पूछा जा सकता है या किसी अन्य रूप में पूछा जा सकता है, एक नंबर का प्रश्न बनता है इससे। यदि एबीसी एपी यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन समांतर श्रेणी में है तब b = a + c/2 और होगा, और b जो है पहला पद ये तृतीय पद सी का समांतर माध्य कहलाता है। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, बड़ा आसान सा प्रश्न फिर से बन गया है। 2, 7, 12 के 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद जो है ये +9d होगा, इसमें a के स्थान पर 2 और d के स्थान पर 5 कर देंगे तो 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी मैंने एक प्रश्न किया था बोर्ड पर, इसमें अंतिम पद 40 है, 40 पद नहीं है, जब 40 वह पद बोलेंगे तो पदों की संख्या 40 होगी, यहाँ पर उन्होंने बाद में 40 लिखा है यानी कि अंतिम पद 40 है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी अंतिम पद के सूत्र से l = a + n - 1 × d से l के स्थान पर 40 रखेंगे और d के स्थान पर 2 रखेंगे और a के स्थान पर 4 रखेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखें बच्चों 4 नंबर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपी परीक्षा में एकमात्र प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का, और 4 नंबर के लिए मैंने यहाँ पर आप देखें स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको ये शीट में, मुझे लगा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से एक प्रश्न आपका आ जाना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अभी प्रश्न मैंने लिए हैं शीट में,
इन 24 प्रश्नों को आप बड़े अच्छे से सॉल्व करें और अन्य प्रश्नों को भी ना छोड़ें, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके बाद मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में मैं आपको कोई नया चैप्टर लेके आऊंगा। इन प्रश्नों को मुझसे जरूर लें। मैं ये प्रश्न 3 करके दिखाऊंगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आप प्रश्न फिर से पढ़ें, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बच्चों अपने बोर्ड पर करूंगा, उस दौरान आप मेरा फिर से एक मेरा मोबाइल नंबर आप एक नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और अंतिम 2 अंकों की संख्या होती है 99। तो 2 अंकों से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो 10 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 10 के बाद 11 आएगा, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है, 11 के बाद 12 आएगा, 12 3 से विभाज्य है। तो 12 इसका प्रथम पद होगा, 12 में आप 3 बढ़ाते जाए 15, 15 भी 3 से विभाज्य है, 15 के बाद 3 बढ़ाए 18, 3 से विभाज्य है, और ऐसे ही ये अनंत तक नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो आप देखते हैं कि इसका जो 2 अंकों की जो सबसे अधिकतम संख्या होती है 99, और ये 99 भी चूंकि 3 से विभाज्य है इसलिए हमें 99 लेना है। ये समांतर श्रेणी बनी। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है वो 12 है और बी जो है आप देखेंगे 15 - 12 = 3 है, ठीक है। तो पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अंतिम पद जो है 99 है और आप जानते हैं अंतिम पद का सूत्र होता है a+n-1 × b, यानी कि इसको हमने 99 ले लिया, a के स्थान पर आपने 12 डाला और n-1 × b का मान आपने 3 डाला और ये 99 आपको प्राप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, 12 + 3n-3 = 99 और ये 3n 12 में से 3 को घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा बराबर 99, और 9 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो -9 हो जाएगा, 90 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा, 99 - 9, और n = 90/3, 3 × 3 = 9, तो n का मान जो आया 30 था। तो इस प्रकार पदों की संख्या 30 हो गई है। एमपीएस मानपुर उमरिया के कस्टोडियन टीचर,